और अब खबर चमोली जिले से है, जहां डुमुक गांव के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर गोपीनाथ मंदिर मार्ग से जिलाधिकारी कार्यालय तक विशाल रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया है। रैली को समर्थन देने के लिए महिलाएं भी 18 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर मुख्य मार्ग तक पहुंची हैं। सड़क की मांग को लेकर डुमुक गांव के ग्रामीणों ने 111 दिन अपने ही गांव में धरना दिया था और जब मांगे पूरी नहीं हुई तो पिछले 14 दिनों से जिलाधिकारी परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मांग इनकी पूरी नहीं हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई ना होते देख ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन के साथ पुतला दहन कर अपना विरोध जताया है। ग्रामीणों ने कहा कि 17 सालों से सड़क की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी वे अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए तरस रहे हैं। जब तक धरातल पर वो काम शुरू नहीं हो जाता, वे लोग अपनी हड़ताल को यूं ही जारी रखेंगे। दो हजार 7-8 से लंबित है, उसमें कई अड़चने आई और कई बार दीवार में उसको लटकाया भटकाया। अब जो है कई कभी जो है तकनीकी पेंच फंसा करके हिसाब का बहाना बना करके कुछ इस प्रकार से उन्हें बताया, परंतु अब हमारी और अब जो है वो डिपार्टमेंट जो है हैदराबाद से NGRI की टीम को बुला करके इसको दिखाना चाह रही है कि ये क्षेत्र कितना संवेदनशील है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने जो डुमक से आगे कलगोर गांव है, कलगोर गांव तक जो दूसरी सड़क आ गई है हेलंग डुमक नाम की सड़क, कलगोर तक गाड़ी भी आती है और ये सेंज लगा था अंतिम बिंदु भी वही कलगोर है। सड़क की उसमें हमने रैली निकाली और ये मंदिर मार्ग से और कलेक्ट्रेट पास और भ्रष्टाचार का एक पुतला भी जलाया हमने, जो बस स्टैंड पर जलाया, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो क्या हुआ, हम इस आंदोलन को रुकने देंगे। देखिए, जो डुमक का रोड है पीएमजीएसवाई के अधीन है और कलगोट से डुमक के अलाइनमेंट को लेके ग्रामीण मेंशन पे बैठे हैं और दूसरी मांग है कि NGRI हैदराबाद से जो सर्वेक्षण होना है वो अतिशीघ्र करवाया जाए। तो इस संदर्भ में अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई ने एक एस्टिमेट तैयार करके मुख्य अभियंता गढ़वाल को प्रेषित कर दिया है और मुख्य अभियंता गढ़वाल उसका परीक्षण उपरांत हायर अथॉरिटीज को भेजेंगे और जो भी निर्णय हायर अथॉरिटीज का होगा वो सभी को मान्य होगा और